बंदे को तो स्टील का होना चाहिए ना, और नहीं भी है तो एक्ट तो ऐसा करना चाहिए ना कि लोग उसके ऊपर भारी नहीं हो सके। जब आप गुस्सा करते हो, जब आप मिजाज दिखाते हो, जब आप आंखें वो करते हो, जब आप फ्रिकल करते हो, यू आर एक्चुअली गिविंग एन ईस्ट टू द वर्ल्ड। आपने भाई मुझे हिला दिया मेरी जगह से। अदम बर्दाश्त इसलिए क्योंकि आप पे चीजें हावी हो जाती। जब खारिज की कोई चीज आपके मेंटल परसोना पे हावी होती है तो पहला तो कसूरवार आप हैं। अगला एक आदमी बड़ा खूबसूरत है, आप पे चढ़ गया मेंटली और अब आप उसे मारने जा रहे हैं क्योंकि वो हावी हो गया आपके ऊपर, तो कसूर उस बेचारे का है या आपके अंदर की कमजोरी का है? एक इंसान बहुत ही देखने में इतना खूबसूरत नहीं है, वो आपको चिढ़ चढ़ गई है उससे, तो हावी आपने किया उसको। एक चीज बर्बाद है, हावी हो गई है, आपने किया। एक चीज आबाद है, हावी हो गई, आपने किया। और भाईजन इनटॉलरेंस की रीजन होती है आपकी साइकोपैथी, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पा रहे जो दुनिया के अंदर चीजें हैं। तो ये आपका मसला है कि आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हालात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। थिंग्स आर नॉट आपको अच्छा, कुछ लोगों को कायनात ही बर्दाश्त नहीं हो रही कि कायनात अल्लाह ने ऐसी क्यों बनाई। बट दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन एंड दिस इज द बेस्ट अल्लाह हैज गिवन अस। तो आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो है ये हमारे मसले हैं सारे, दिस इज ऑल आर प्रॉब्लम कि हमें चीजें खल जाती। हम इतने कमजोर होते हैं, हम इतने छोटे होते हैं कि हम किसी चीज को इतना बड़ा बना लेते हैं अपने माइंड के अंदर। तो हमें तो लोग थूके फेंकते हैं। अच्छा हाँ, जायज लिहाज से जहां पर बर्दाश्त और जायज जहां पर गुस्सा बनता है वो तो ठीक है, लेकिन फजूल के ऊपर आपके ऊपर चढ़ी हुई है कि कोई बंदा अच्छा आ जाए, कोई ज्यादा टैलेंटेड आ जाए, कोई ज्यादा कोई आपको तंग कर, अच्छा कोई आपको तंग भी कर देता है, तो आप क्या फजूल आदमी है कि आप हर किसी को मुंह लगा लें, आप हर किसी से पंगे ले लें? व्हाट आर वी डूइंग? ये सिर्फ तब होता है जब एक इंसान का दिमाग फारग हो, शैतान के हाथों में हो, हर चीज को हावी कर ले, हर किसी से इंटिमिडेट हो जाए, तब जाके इंसान लूज करता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, जब आप अपना आप बाहर निकालते हैं ना किसी को, मैं एंगर मैनेजमेंट का एक उसूल देता हूँ, इन अ नटशेल यू आर गिविंग दैट पर्सन, आप एक बंदे को ये कह रहे होते हैं कि तू मुझ पर हावी हो चुका है, मुझे कोई गाली देगा, मुझे कोई मेरी गीबत करेगा, मुझे कोई सब्जेक्ट बनाएगा कोई ना, मैं यही बोलूंगा भाई मैं चढ़ गया उसके ऊपर, क्योंकि उसके पास इतना टाइम है मेरे बारे में सोचने के लिए, वो मुझे वाकई हावी कर चुका है। मुझे तो कोई भी रिएक्शन देता ना, मैं कहता हूँ ओ वाओ लग गई भाई इसको। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, बंदे को तो स्टील का होना चाहिए ना, और नहीं भी है तो एक्ट तो ऐसा करना चाहिए ना कि लोग उसके ऊपर भारी नहीं हो सके। जब आप गुस्सा करते हो, जब आप मिजाज दिखाते हो, जब आप आंखें वो करते हो, जब आप फ्रिकल करते हो, यू आर एक्चुअली गिविंग एन ईस्ट टू द वर्ल्ड। आपने भाई मुझे हिला दिया मेरी जगह से। आई थिंक दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। थैंक यू जी।